गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ टुडे आई विल एक्सप्लेन अबाउट व्हाट इज़ द प्रोसेस। हमने देखा लास्ट लेक्चर्स में कि हम इंस्ट्रक्शंस को देते हैं तो वो इंस्ट्रक्शंस या इन्फॉर्मेशन जो सिस्टम में जाती हैं वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होती है, कैसे एग्जीक्यूट होती है, इसे आज हम समझेंगे। नाउ जो हमारी इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस होती है इन फॉर्म ऑफ प्रोसेस, वो एक प्रोसेस के फॉर्म में होती है। तो जब हमारे पास सिस्टम के अंदर कोई इंस्ट्रक्शन जा रही है तो वो प्रोसेस में होगी। अब वो प्रोसेस कैसे वर्क करती है हम देखते हैं। अ प्रोसेस इज़ अ बेसिकली प्रोग्राम इन एग्जीक्यूट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस मस्ट प्रोग्रेस इन अ सिक्वेंशनल फैशन। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, यानी हमने जो भी प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन दी है वो रन हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है, दैट इज़ प्रोसेस। लेकिन वो एग्जीक्यूट हो रही है किस मैनर में, किस सीक्वेंस में हो रही है, ये हम देखते हैं। तो प्रोसेस जो होती है एग्जीक्यूट, वो डिफरेंट स्टेट में होती है। मतलब प्रोसेस जो होती है डिफरेंट स्टेट में वर्क करती हैं। वो स्टेट होती हैं आपकी स्टार्ट, रेडी, रनिंग, वेटिंग, टर्मिनेटेड और एग्जिट। यानी आपकी प्रोसेस डिफरेंट स्टेट में आपको मशीन के अंदर एग्जीक्यूट होती हैं या रन होती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ा डायग्राम। देखिए डायग्राम में आप देख रहे हैं, जब भी एक प्रोसेस मशीन के अंदर एंटर होती है, यानी जो जनरली ऑन मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम शेड्यूलिंग इन यूज टू डिटरमाइन कि किस प्रोसेस को लेना है सबसे पहले, किस इंस्ट्रक्शंस को लेना है, विच प्रोसेस इज गिवन कंट्रोल ऑफ द सीपीयू शेड्यूलिंग। तो ये एक शेड्यूलिंग के थ्रू कंट्रोल होती है, जिसने मेरे कुछ पहले दिए हुए लेक्चर्स में शेड्यूलिंग के बारे में बताया हुआ है। देन डिटरमाइन विद द जॉब और प्रोसेस में कंप्लीट फॉर द सिस्टम रिसोर्सेज। टिपिकली वंस द जॉब शेड्यूल मेक अ जॉब एक्टिव, इट स्टे एक्टिव यूनिट इट टर्मिनेट। तो यहाँ पर आप फर्स्ट किस जॉब को ले रहे हैं, वो आगे जगह कैसे एग्जीक्यूट हो रही है, ये हम देखते हैं। जब कोई जॉब एंटर होती है तो वो न्यू स्टेट में होती है, न्यू स्टेट में होती है जिसमें वो न्यू इन्हें आपकी एक क्यू फॉर्म में होगी, यानी वो प्रोसेस के लिए क्यू में होगी। जैसे ही वो एडमिट होती है, यानी वो सीपीयू में एडमिट होती है, वो एंटर होती है, तो इन अ फॉर्म ऑफ रेडी। अ प्रोसेस दैट इज़ नॉट एलोकेटेड टू सीपीयू, यानी आपकी प्रोसेस अभी सीपीयू में एलोकेट नहीं हुई है, वो सीपीयू में एलोकेट होने के लिए एंटर हो रही है, यानी वो एडमिट हो रही है। दैट मीन्स कि नॉट फॉर फॉर रनिंग कंडीशन, वो रेडी फॉर रनिंग कंडीशन, मतलब वो रन होने के लिए रेडी है। सर रेडी प्रोसेस कुड एग्जीक्यूट इफ़ एलोकेटेड टू अ सीपीयू, और उसे अगर परमिशन मिलती है तो वो रनिंग कंडीशन में, सीपीयू में जाके रनिंग होती है। तो यहाँ आप देखिए रेडी के बाद जो आपके एरो थ्रू रनिंग स्टेट में जा रहे हैं, तो इंटरप्शंस वो जैसे ही सीपीयू में इंटरप्ट करती है तो वो रनिंग कंडीशन में जाती है और उसे शेड्यूलर डिस्पैच करता है। शेड्यूलर क्या करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर प्रोसेस जो होती है एक शेड्यूलिंग, यानी शेड्यूलर किस प्रोसेस को पहले जाना है, किसे कब तक एग्जीक्यूट होना है, ये शेड्यूलर डिसाइड करता है। और शेड्यूलर के डिसाइड करने पर वो प्रोसेस प्रायोरिटी बेस पे या किसी भी एल्गोरिथम को फॉलो करते हुए, डिफरेंट टाइप के एल्गोरिथम होती है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, जिसको फॉलो करते हुए वो आगे बढ़ती है और इन रनिंग कंडीशन में जाती है। रनिंग कंडीशन इन अ प्रोसेस दैट एग्जीक्यूटिंग ऑन अ सीपीयू। अब सीपीयू में प्रोसेस चली जाती है जहाँ पर वो एग्जीक्यूट होती है। इफ़ द सिस्टम हैज़ एंड सीपीयूज एट द मोस्ट एंड प्रोसेस में भी रनिंग सेट, अगर एक से ज्यादा सीपीयू है तो वो एक से ज्यादा प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे। अदरवाइज मल्टी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में हमने देखा कि बहुत सारे हम एग्जीक्यूशन के लिए देते हैं तो शेड्यूलिंग बेस पे एक एक प्रोग्राम को रन करके एग्जीक्यूट करके हमें आउटपुट्स देता है। अगर वो रनिंग कंडीशन में है और एग्जीक्यूट हो चुकी है तो वो फिर टर्मिनेट कंडीशन में या टर्मिनेट स्टेट में जाती है। टर्मिनेटेड कंडीशन होती है जिसमें अ प्रोसेस दैट हैज halted its execution but a record of the process is still maintained by the operating system। जैसे terminate होके वो execute होके system में आ गए हैं या memory में particular जगह save हो गई है, जो भी instruction आपने दिए वो पूरी तरीके से fulfill हो गई है। but अगर running condition में कोई error या कुछ interruptions होता है या कोई input output event incomplete होता है तो वो वापस से waiting condition में चली जाती है, यानी वो complete होके execute नहीं होती। कई बार आपका program hang हो जाता है या complete नहीं हो पाता है, जो output आप चाह रहे हैं वो नहीं मिल पाता है, because उसे proper input output जो होता है उसका completions नहीं हो पाता है, तो उसे waiting में भेज दिया जाता है। waiting में
रख कर वो प्रोसेस जो होती है आपकी इनपुट आउटपुट कंप्लीशंस आप पूरा करते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शंस अधूरी रह गई है उसे कंप्लीट करते हैं, तो उसे वापस से रेडी कंडीशन में भेजा जाता है। रेडी स्टेट में जाने के बाद प्रोसेस जो होती है वो वापस रनिंग स्टेट में, यानी एग्जीक्यूशंस होने के लिए रेडी हो जाती है, यानी क्यू फॉर्म में आ जाती है फॉर एग्जीक्यूशंस। और ये फिर वापस से अगर कंप्लीट है तो वो रनिंग कंडीशन में आती है। तो इस टाइप से जो आपकी प्रोसेस होती है वो आपके डिफरेंट स्टेट्स में होते हुए एग्जीक्यूट होकर सिस्टम में रन होती है। ओके, तो ये एक बेसिक कंसेप्ट था अबाउट प्रोसेस। नाउ आई होप आप लोग को कुछ समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।